मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नासा इसरो सैटेलाइट निसार। निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा, एन स्टैंड फॉर नासा, आई स्टैंड फॉर इसरो, एस स्टैंड फॉर सिंथेटिक, ए फॉर एपर्चर एंड आर फॉर रेडार, दैट इज कॉल्ड निसार। तो इस प्रोजेक्ट पे जो साइन किए थे वो USA और इंडिया ने 2014 में किए थे। ये 2014 का प्रोजेक्ट है दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज का, ठीक है, यानी नासा प्लस इसरो का ये ऑफिशियल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इन लोगों ने ये एक सैटेलाइट लॉन्च करना था और ये 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इस सैटेलाइट का मेन जो मकसद है वो ये है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग लैंड, रिगार्डिंग मतलब सॉइल, रिगार्डिंग दी आइस, मतलब जैसे वो जो आइस की वो होती है ना प्रॉपर शीट्स जो कि हिमालय रीजन या इधर उधर काफ़ी ज़्यादा अंटार्कटिका, ये जो पूरे पृथ्वी जो है वहाँ पे फैली हुई है, उनको एक एक तरीके से ऑब्जर्व करना। बेसिकली मतलब इसका जो रेडार है वो ऐसे है कि ये पूरी पृथ्वी के पोर्शंस को कवर कर सकता है। बट इसका एम जो है वो तीन एम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो क्या कहते हैं जो सॉइल है उसको उसका किस तरीके से इरोजन हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम, उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें कैसे कुछ ऐड ऑन हो रहा है, कुछ हट रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहला है सॉइल, सेकेंड है बर्फ, आइस, आई मतलब जो आइस शीट्स होती हैं उनमें किस तरीके से स्लाइड्स आ रही हैं, वो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है या क्या क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं वो। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है सी लेवल। सी लेवल का क्या मतलब है कि अभी आपने देखा कि फिलीपींस को एक बहुत बड़े टाइफून ने हिट किया है, ठीक है, तो उस तरीके से इंडियन ओशन भी है, तो उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं उनको देखना। तो इसका मतलब इस सैटेलाइट का एक ही मकसद है कि इन तीनों फैक्टर्स को जज करना, उसके बेसिस पे बताना कि ड्यूरिंग द टाइम इंडिया के जो सॉइल है, सी लेवल है या जो आइस शीट्स है उनमें कैसे कैसे किस किस अकॉर्डिंग से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये टोटली एनवायरमेंटल फैक्टर बेस्ड है और फिर उनकी स्टडी करना ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि USA और इंडिया का ये एक ऐसा ऑफिशियल ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट है, जिसमें नासा और इसरो दोनों ही देशों की जो स्पेस एजेंसीज है वो इन्वॉल्व है। होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो थी, तो इसके लिए आगे और अपडेटेड रहिएगा।